हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ब्लूटूथ आपको ऐसे ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर एक बार टैप कर देना और आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो जो भी आपके आसपास में ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगे वो स्कैन होकर यहाँ पर शो करेंगे। तो जब तक आपके ब्लूटूथ का हेडफोन का नेम आएगा जब तक आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो हम भी यहाँ पर वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे ब्लूटूथ हेडफोन का नेम आ चुका है, तो बस आपको सिंपली इस पर एक बार टैप करना है। यहाँ पर पेयरिंग होने लग जाएगा। पेयरिंग जैसे कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का परमिशन मांगेगा, तो आपको पेयर पे क्लिक कर देना और आपके ब्लूटूथ हेडफोन थोड़ी देर में अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, और यहाँ पर हेडफोन की बैटरी भी दिखा रहा है। तो बस उस तरीके से आप अपने सैमसंग के फ़ोन में ब्लूटूथ हेडफोन को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो में नई वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।